बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ सोशियो लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम एटलीस्ट 10 डेफिनेशंस देखेंगे सोशियो लिंग्विस्टिक्स की। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी ओरिजिन ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको सोशियो लिंग्विस्टिक्स थॉरोली समझ आ जाए। उसके अलावा देखेंगे हु इज़ द फाउंडर ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स, हु इज़ द फादर ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स, व्हाट आर द पर्पसेस एंड एम्स ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स, टाइप्स ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स एंड अप्रोचेज ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इंट्रोडक्शन सोशियो लिंग्विस्टिक्स का कर लेंगे, पर आज की वीडियो की तरह जाने से पहले मैं आपको अपना यूट्यूब पे चैनल दिखाना चाहती हूँ। ये यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिसका नाम है BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि लिटरेचर की, लिंग्विस्टिक्स की बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, और अच्छी बात यह है कि इन वीडियोस के नोट्स इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, मैं क्रिटिकल अप्रोचेस टू स्टडी द लिटरेचर देखती हूँ। ये वीडियो सुनने के बाद मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आऊँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो मोर पर क्लिक करूँगी, तो यहाँ पर मुझे नोट्स PDF का लिंक मिल जाएगा। मैं नोट्स PDF के लिंक पर क्लिक करूँगी तो मेरी वेबसाइट पर चली जाऊँगी, जो कि BSELN.com है। उसके ऊपर ये नोट्स यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ से हर तरह के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपना कोई भी टॉपिक इस सर्च बार में सर्च कर सकते हैं। इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात कि पास्ट पेपर सारे सेमेस्टर्स के मौजूद हैं BS इंग्लिश के, जो आपके MA लेवल के या बैचलर्स लेवल के आपकी मदद करते हैं समझने में, ये पेपर्स मौजूद हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसके अंदर हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लफ्ज़ सोशियो लिंग्विस्टिक्स को थोड़े गौर करने का कहूँगी कि सोशियो लफ्ज़ जो है वो सोसाइटी से निकला है, और लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशन को देखें तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज को लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। तो लफ्ज़ सोशियो से मुराद सोसाइटी है और लिंग्विस्टिक्स से मुराद है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज की ऐसी कि जिसमें हम सोसाइटी का इफ़ेक्ट देखें, यह सोसाइटी किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है लैंग्वेज को, वो देखें, यह सोशियो लिंग्विस्टिक्स है। जब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो एक डेफिनेशन ये है कि द स्टडी ऑफ हाउ पीपल अराउंड यू एंड योर हेरिटेज कैन चेंज द वे यू स्पीक। कहने का मकसद ये है कि आप जो ज़बान बोल रहे हैं, हर ज़बान का एक प्रॉपर वे होता है या डिज़ाइंड है, सिस्टमेटिक है, लेकिन जैसे जैसे एरिया चेंज होता जाता है ज़बान थोड़ी मुख्तलिफ होती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेरिका के अंदर इंग्लिश और तरीके से बोली जाती है, ब्रिटेन के अंदर इंग्लिश और तरीके से बोली जाती है, इंडिया में इंग्लिश और तरीके से बोली जाती है, इसी तरह पाकिस्तान में इंग्लिश और तरीके से बोली जाती है। ग्रामर सेम है, कंपोजिशन सेम है, वोकेबलरी सेम है, सिर्फ फ़र्क कहाँ आता है, वो फ़र्क है सोशियो लिंग्विस्टिक्स का फ़र्क, कि सोसाइटी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से लैंग्वेज में रद्दोबदल आ जाता है। एक और डेफिनेशन देखते हैं, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक बिहेवियर एज इन्फ्लुएंस्ड बाई सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। आपकी सोसाइटी या सोशल या कल्चरल फैक्टर अगर आपकी ज़बान को इफ़ेक्ट करते हैं, आपके लिंग्विस्टिक बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं, तो वो सोशियो लिंग्विस्टिक्स में आता है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे इंडिया के लोग इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि उनकी इंटरनेशनल ज़बान इंग्लिश है, लेकिन वो US के लोगों जैसी नहीं बोलते, वो अमेरिका के लोगों जैसी नहीं बोलते। इसी तरह पाकिस्तान के लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उनकी अमेरिकन जैसी नहीं होती, उनकी ब्रिटेन जैसी नहीं होती। वो इसी वजह से नहीं होती क्योंकि एरिया वाइज, सोसाइटी वाइज, कल्चर वाइज हम लैंग्वेज के अंदर वेरिएशन क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये चेंज आता है। सोशियो लिंग्विस्टिक्स की एक और डेफिनेशन है द डिस्क्रिप्टिव स्टडी, यानी कि डिस्क्राइब करने के लिए, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एनी एंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग कल्चरल नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशंस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑन द वे लैंग्वेज इज यूज, सोसाइटी इफेक्ट ऑन लैंग्वेज। सोशियो लिंग्विस्टिक के अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारी कोई भी ज़बान जो बोली जा रही है उसको सोसाइटी किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है, कल्चर किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट उसका किस तरीके से उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। द स्टडी ऑफ सोशल एंड कल्चरल इफ़ेक्ट ऑन लैंग्वेज, सोशियो लिंग्विस्टिक्स सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है कि द स्टडी ऑफ सोशल एंड कल्चरल इफ़ेक्ट ऑन अ लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज, अगर आप उर्दू बोलते हैं पाकिस्तान के अंदर कराची में बैठ के, तो वो और तरह की होगी, और पंजाब में जब आप आएंगे और यहाँ पे किसी भी मुल्तान के अंदर आएंगे तो यहाँ की उर्दू मुख्तलिफ होती है। बोल दोनों उर्दू रहे हैं, कराची वाले भी उर्दू बोल रहे हैं और मुल्तान वाले भी बोल रहे हैं, स्टिल उनके बोलने में जो फ़र्क आता है वो सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर फॉल करता है। और क्यों? इस वजह से, क्योंकि लैंग्वेज तो सेम है लेकिन सोसाइटी और कल्चरल वैल्यूज़ डिफरेंट हो रही हैं लोगों की एरिया वाइज, इस वजह से फ़र्क आ रहा है। इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अमेरिकन
इंग्लिश स्पीकर मे यूज सच फॉर्म्स एज ही डिडंट नो नथिंग, या वो ये भी कह सकता है ही डजंट नो एनीथिंग। अब ही नो नथिंग का मतलब है कि उसे कुछ नहीं पता, ही डजंट नो एनीथिंग का मतलब है कि इसे कुछ नहीं पता। दोनों जुमलों का मतलब एक ही है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंस है, बोलने का तरीका मुख्तलिफ है, जो कि वेरी करता है सोशल क्लास की वजह से, बंदे के बोलने की वजह से, उसकी एजुकेशन की वजह से, वो किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, वो किस जगह से ताल्लुक़ रखता है, उसका एरिया क्या है, इस वजह से। इसी तरह अगर आप ज़्यादा चेंजेस देखें तो आप ये देख सकते हैं कि ब्रिटेन की भी लैंग्वेज इंग्लिश है और अमेरिका की लैंग्वेज भी इंग्लिश है, लेकिन दोनों मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको बोलते हैं, मुख्तलिफ वोकेबलरी इस्तेमाल करते हैं, बोल दोनों इंग्लिश रहे हैं लेकिन एरिया का डिफरेंस होने की वजह से मुख्तलिफ तरीके से बोल रहे हैं। सोशियो लिंग्विस्टिक्स की अगर हम करेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये एक ऐसी साइंस है जो कंसर्न्ड है रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। अगर आपने लैंग्वेज को सोसाइटी के साथ पढ़ना हो तो आप किस ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स में पढ़ेंगे? आप सोशियो लिंग्विस्टिक्स में पढ़ेंगे। सोशियो लिंग्विस्टिक्स बाज़ाते खुद एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स, यानी कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स जो है वो लिंग्विस्टिक्स से निकली है। लिंग्विस्टिक्स के अंदर ये समझा जाता है कि लैंग्वेज एक सोशल और कल्चरल फिनोमेना है, और इसके अंदर लैंग्वेज को सोशल कॉन्टेक्स्ट में ही समझा जाता है, रियल लाइफ सिचुएशन में समझा जाता है, इमेजिनरी इसको नहीं समझा जाता। यानी कि लॉजिकल और एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन होती है इसके अंदर, जो भी इसके अंदर मेथोडोलॉजी अप्लाई की जाती हो, जो भी इसका एनालिसिस किया जाता हो, जिस भी तरीके से इसको समझने की कोशिश की जाती हो, इसमें सारी चीज़ें एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन में आती है। ये वाली डेफिनेशन भी हम कर चुके हैं। सोशियो लिंग्विस्टिक इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ लैंग्वेज स्टडी विद इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, कि कौन सी लैंग्वेज का कौन सा वर्ड क्या सोशल कॉन्टेक्स्ट रखता है, ये भी हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं। द एम ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स इज़ द इन्वेस्टिगेशन टू अचीव फर्दर प्रोग्रेस इन द नॉलेज ऑफ नेचर एंड ऑपरेशन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज बाय द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट। समझने की ज़रूरत यह है कि सोशियो लिंग्विस्टिक का एम क्या है, कि इंसान किस सिचुएशन में लैंग्वेज को इस्तेमाल किस तरीके से करता है। यह सादी सी बात आपको बताऊं तो लैंग्वेज जो है वो किस तरीके से बेहतर समझी जा सकती है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, ये सोशियो लिंग्विस्टिक्स में ये इसका एम है। सोशियो लिंग्विस्टिक्स जो है वो इस बात पे फोकस करती है कि सोसाइटी और लैंग्वेज का क्या रिलेशनशिप चल रहा है, सोसाइटी के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो लैंग्वेज में क्या वैराइटीज़ लेके आ रहे हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ लेके आ रहे हैं। अगर कोई भी किसी डिफरेंट रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है, इतनी सिटी से ताल्लुक़ रखता है, स्टेटस उसका डिफरेंट है, जेंडर मुख्तलिफ है, लेवल ऑफ़ एजुकेशन मुख्तलिफ है, तो किस तरीके से वेरिएशन पैदा कर सकता है लैंग्वेज के अंदर। ये सारे फैक्टर जितने लिखे हुए हैं, एज, जेंडर, एजुकेशन, ये सारे जो हैं ये सोशियो लिंग्विस्टिक में स्टडी किए जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें लैंग्वेज को चेंज करती हैं। अब नाउ लेट्स स्टडी हु इज़ द फादर ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स। विलियम लबवा इज़ द फादर ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स। ये एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, और ये इनकी रिसर्च थी सोशियो लिंग्विस्टिक्स की वेरिएशन के ऊपर, जिसके बाद सोशियो लिंग्विस्टिक्स में काम होना स्टार्ट हो गया, तरक्की होनी स्टार्ट हो गई और ये एक अलहदा ब्रांच बन गई। नाउ लेट स्टडी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स। सोशियो लिंग्विस्टिक्स का पर्पस क्या है? सोशियो लिंग्विस्टिक्स का सिर्फ एक पर्पस है और वो है लैंग्वेज को सोशली समझना, कि डिफरेंट सोशल सिचुएशन के अंदर, डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर लैंग्वेज कैसे चेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में आप मौजूद हैं और आपका बॉस आपसे कहता है कि शट द डोर, ये एक कमांड है, एक ऑर्डर है। और इसी तरह अगर आप घर के अंदर बैठे हैं अपने टीवी लाउंज में और आपकी छोटी सिस्टर आपसे कहती है कि शट द डोर, तो ये एक रिक्वेस्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई बात नॉर्मली आपसे की जा रही है तो वो नॉर्मल कन्वर्सेशन अगर गुस्से से की जा रही है तो वो क्या मायने रखती है, अगर आप नॉर्मल बैठ के कर रहे हैं तो क्या मायने रखती है, अगर आप किसी और मूड में बैठे हैं तो वो अपना मायने किस तरीके से चेंज करती है। इसके अलावा डिफरेंट टाइम्स के अंदर, डिफरेंट सेटिंग के अंदर, डिफरेंट सोशल आइडेंटिटी के साथ आप जो बातें कहती हैं वो मायने किस तरह से बदल जाता है। लाखों लोग औरतों के ऊपर मोस्टली कमेंट कर रहे होते हैं कि इनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन वो मैटर नहीं करता। लेकिन जैसे ही कोई इन्फ्लुएंसर, कोई सेलिब्रिटी, कोई पॉलिटिशियन कोई बात कह देता है तो फौरन वो वायरल हो जाती है। तो ये चीज़ें किस तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं, सोशियो लिंग्विस्टिक्स में स्टडी की जाती हैं। सोशियो लिंग्विस्टिक्स के टाइप्स को अगर स्टडी करें तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स की दो टाइप्स हैं, एक इंटरैक्शनिस्ट है और एक वेरिएशनिस्ट है।
इंटरैक्शनिस्ट सोशियो लिंग्विस्टिक्स को भी डिस्कस करेंगे और वेरिएशनिस्ट सोशियो लिंग्विस्टिक्स को भी डिस्कस करेंगे। इंटरैक्शनिस्ट सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो लैंग्वेज है वो सोसाइटी को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है, और वेरिएशनिस्ट सोशियो लिंग्विस्टिक्स में हम स्टडी करते हैं कि सोसाइटी किस तरह से लैंग्वेज के अंदर वेरिएशन पैदा कर रही है। ओरिजिन ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स, सोशियो लिंग्विस्टिक्स सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि विलियम लेबो ने स्टार्ट किया था इस पर रिसर्च, और इन्होंने अपनी रिसर्च की थी 1960s के अंदर। विलियम लेबो की रिसर्च के बाद लोगों का कंसर्न सोशियो लिंग्विस्टिक्स पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इन्होंने इसको ज़्यादा स्टडी करने लगे, और स्टडी करने की वजह से ये एक फील्ड बन गई। सोशियो लिंग्विस्टिक्स की दो अप्रोचेज हैं, मैक्रो लिंग्विस्टिक्स एंड माइक्रो लिंग्विस्टिक्स। मैक्रो लिंग्विस्टिक्स फोकस ऑन स्टडी ऑफ लैंग्वेज विच इंक्लूड्स लार्ज स्केल विच मीन ग्रुप बिहेवियर, और माइक्रो लिंग्विस्टिक्स फोकस ऑन द डिस्क्रिप्शन एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज मीन स्मॉल ग्रुप। अगर आप सोशियो लिंग्विस्टिक्स को बड़े लेवल पे स्टडी करना चाहते हैं, यानी कि सोसाइटी के अंदर, मुल्क के अंदर, एक मुल्क टू मुल्क स्टडी करना चाहते हैं, तो वो लार्ज स्केल हो जाएगा और वो मैक्रो में फॉल करेगा। इसी तरह माइक्रो सोशियो लिंग्विस्टिक्स जो है वो छोटे पैमाने की स्टडी को कहते हैं, अगर आप कोई स्मॉल ग्रुप लेते हैं तो। अगर इसको डीपली स्टडी करें तो मैक्रो सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कि सोसाइटी जो हैं वो लैंग्वेज को किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं, उनका फंक्शन किस तरीके से चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, लैंग्वेज शिफ्ट, मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट, डिलिमिटेशन, इंट्रैक्शन ऑफ स्पीच एंड कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में स्टडी की जाती हैं। और माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में छोटी चीज़ें स्टडी की जाती हैं, जैसे ईडियोलेक्ट हो गया, जैसे वेरिएबल्स हो गया, ये छोटे पैमाने की स्टडी होती है। इसमें ग्रुप को छोटा लिया जाता है कि एक बंदा दूसरे बंदे की लैंग्वेज को किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है। बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, ये दोनों फील्ड्स आपस में मर्ज होती हैं, लेकिन स्टिल हम इनको कोशिश करते हैं कि अलग-अलग करके स्टडी करें। आज के नोट्स भी आज की वीडियो में मौजूद होंगे। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें न्यू अपडेट्स नहीं मिलती। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ।